एक जमाना था जब विनोद कांबली को सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज माना जाता था। एक जमाना था जब टेस्ट क्रिकेट में विनोद कांबली ने जिस तरह से शुरुआत की थी, लोगों ने कहा इंडिया को उसका अगला लेजेंड मिल गया। एक जमाना था जब विनोद कांबली इंटरनेशनल क्रिकेट के शुरुआती दौर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बाएं हाथ का भारत का ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन जाएगा। लेकिन वो एक शेर है ना कि इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते हैं, सब कुछ इस जहां में रहता नहीं, आज जहां मैं हूं वहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। कांबली के साथ भी एक बार विनोद कांबली गिरते 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 इतना गिर गए कि आज दुनिया कह रही है कि कांबली पर कोई तो तरस खा ले। दरअसल विनोद कांबली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर क्रिकेट फैंस भावुक हो गए हैं, उनकी आंखें गमगीन हो रही है। वो कह रहे हैं यार ये वही कांबली है, मतलब क्या दिन थे कांबली और तेंदुलकर खेलते थे बचपन से और गिरते 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 इस तरह उनकी हालत हो गई कि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे। दो लोग उन्हें टिका कर ले जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, कोई कह रहा है शराब पीने की वजह से उनकी हालत खत्म हो गई है। लेकिन जो कुछ भी है ये वीडियो पेनफुल है। पूर्व भारतीय बल्लेबाज विनोद कांबली का जो ये वीडियो है जिसमें दो लोग उन्हें सहारा देकर चलने मदद कर रहे हैं, वो क्रिकेट लवर्स के लिए पेनफुल है। कांबली फिलहाल 52 साल के हैं, कहा जा रहा है कि उनकी सेहत काफी खराब है। विनोद कांबली वो खिलाड़ी हैं जो हार्ट संबंधी तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से भी वो जूझ रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, रेगुलर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन जो नया वीडियो आया वो दिखाता है कि कांबली एक बाइक के पास खड़े हैं, थोड़ी देर में लड़खड़ाने लगते हैं, एक व्यक्ति आगे बढ़कर सहारा देता है, कांबली इशारा करके एक दो लोग को और बुलाते हैं और सब उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। अब इस वीडियो के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ कि यार ये वही कांबली है, क्योंकि कांबली की शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई थी क्रिकेट में, मतलब तेंदुलकर के साथ पार्टनरशिप उनकी स्कूल क्रिकेट में, फिर फर्स्ट क्लास में, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कांबली वाज अ स्टार। विनोद कांबली वो खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिया के लिए 17 टेस्ट मैच, 104 वनडे मैच खेले, वनडे में 2500 रन है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप बात करेंगे तो केवल 17 मैचेस खेलने के बाद उनके टेस्ट क्रिकेट में 4 शतक के साथ 1000 रन है। 1000 रन के मामले में वो फास्टेस्ट प्लेयर्स में से एक रहे हैं। 1993 से लेकर 2000 तक इंडिया के लिए सर्विस दी, 104 वनडे मैचेस खेले, लेकिन उसके बाद ऐसा गायब हुए कि फिर कभी नजर नहीं आए। विनोद कांबली लास्ट टाइम 2004 में नजर आए थे क्रिकेट खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगभग 10000 रन विनोद कांबली ने बनाए हैं। और इस खिलाड़ी का कोई अता पता नहीं, सचिन तेंदुलकर और कांबली बचपन के दोस्त हैं, दोनों ने मुंबई की मशहूर कांगा लीग एक साथ डेब्यू किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, शारदा आश्रम स्कूल की तरफ से खेलते हुए 664 रनों की जो पार्टनरशिप थी वो आज भी चर्चा के केंद्र में है। इसमें कांबली ने 349 बनाए थे। 1988 में तेंदुलकर ने रणजी का डेब्यू किया, एक साल बाद विनोद कांबली ने 1989 में डेब्यू किया, लेकिन फिर तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड कहे जाने के बावजूद कांबली कंसिस्टेंट नहीं हो पाए। कहा जाता है कि उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बर्बादी की वजह बनी। विनोद कांबली ने दो दो शादी भी की, पहली क्रिश्चियन लड़की से की, सफल नहीं हुई, फिर वो बॉलीवुड की तरफ आकर्षित हो गए, फिर उनका दिल फैशन मॉडल एंड्रिया हैविट पर आया, शादी की, उनके बेटे भी हैं, लेकिन फिर नहीं हो पाया उनके साथ। हालांकि कांबली को लेकर कई मेमोरीज लोगों के मन में, जैसे 13 मार्च 1996 को कोलकाता के ईडन गार्डन में इंडिया श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इंडिया चेस कर रही थी, एक समय 98 पर केवल एक विकेट गिरा था, लेकिन फिर इंडिया ऑल आउट हो गई, 120 रन पर 8 विकेट गंवा दी और इंडिया मैच हार गई। ये वो मोमेंट है जब इंडिया के जो फैंस थे वो काफी खफा हो गए थे। इसी मैच में 35वें ओवर में इंडियन टीम को 156 गेंद पर 132 रन चाहिए थे और विनोद कांबली 10 और कुंबले
बिना खाता खोले क्रीज पर थे और फैंस ने नाराजगी जाहिर कर दी, फैंस ने बॉटल वॉटल फेंकनी शुरू कर दी, स्टेडियम के हिस्से में आग लग दी गई, बाद में मैच रुका गया, श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया गया। कांबली खूब रोए थे, खूब रोए थे तब, वो तस्वीरें लोगों के मन में है। कांबली ने बाद में शादी भी की, 2002 में संजय दत्त सुनील शेट्टी की फिल्म अनर्थ में वो आए थे, फ्लॉप रही। बाद में फिर 2009 में पल पल दिल के साथ एक फिल्म आई, उसमें भी वो आए, लेकिन बॉलीवुड में काम उनका चला नहीं। पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया, चुनाव में लड़े, हार गए, दिल का दौरा पड़ा, फिर क्रिकेट टीवी हर जगह से गायब हो गए, और जब दिखाई पड़े तब लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, वो तस्वीरें जो हैरान करने वाली हैं, दिल दुखाने वाली हैं। विनोद कांबली, ये तस्वीर काफी परेशान करती है। हम भी दुआ करें कोई क्रिकेटर, कोई दोस्त, कोई साथी उनकी मदद करे, बिकॉज ही जेन्युइनली नीड सम हेल्प।